हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 26 दिन कंप्लीट करके आज 27वें दिन में एंट्री मार ली है और आज जो रिकॉर्ड क्रिएट होने वाला है भाई साहब, जिसकी उम्मीद न थी। पहले तो ये सिर्फ था कि 1000 करोड़ कैसे कब कंप्लीट कर पाएगी, लेकिन सिर्फ 1000 करोड़ कंप्लीट ही नहीं करे, उसे क्रॉस भी किया और सोच रहे थे कि यस 1050 या 1060-70 के आसपास इसका आंकड़ा पहुंच जाएगा, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी ये 1100 करोड़ कर जाएगी बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। क्योंकि चलो मान भी लेते हैं एक बार के लिए सोच रहे थे कि लाइफ टाइम कलेक्शन 1100 करोड़ या फिर 1150 करोड़ के आसपास जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। 40 या 45 दिन सर्वाइव करके थिएटर हाउस में तब जाएगा, लेकिन 27वें दिन में ये 1100 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने नाम कर जाएगी। अमेजिंग ग्रोथ भाई। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे, जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले दो हफ्ते कैसे रहे, तो सभी चीज़ों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहना और अगर जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के टोटल भारी भरकम बजट के साथ मेन लीड में शाहरुख खान को मल्टीपल रोल्स के साथ मूवी को कंप्लीट करा गया है, जिसमें सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। स्टोरी लाइन में कह रहा हूं ना कि जबरदस्त है, साउथ के डायरेक्टर हैं इसलिए स्टोरी लाइन पे जबरदस्त ध्यान दिया गया है और साउथ का तड़का भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी को एक्सपैन इंडिया रिलीज कराया गया था। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन क्या 130 करोड़ का बॉलीवुड की मूवी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सी जो सर्कस मूवी की अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम कलेक्शन आई थिंक 100 करोड़ भी नहीं कर पाई थी, टच 95 या 93 करोड़ के आसपास ही रह गई थी ये मूवी, लेकिन जवान ने फर्स्ट डे ही 130 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था। पहला हफ्ता शानदार कंप्लीट करके 660 करोड़ पूरी दुनिया से कमा लिए थे और पहले 10 दिन कंप्लीट करते करते 812 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा, ह्यूज आंकड़ा अपने खाते में रख लिया था पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में। और पहले दो हफ्ते में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ कमा लिए थे, नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ आ चुका था और पहले हफ्ते पूरा कंप्लीट करते करते पूरी दुनिया से 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये अपने खाते में ला चुकी थी जवान। और यहाँ तक सभी जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में थी, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, चेन्नई एक्सप्रेस, थ्री इडियट, पद्मावत, वॉर, ब्रह्मास्त्र, इन सभी के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को, वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी मात्र दो हफ्ते के कलेक्शन से पूरी दुनिया से, जो 922 करोड़ का था। तो यहाँ से अब रिकॉर्ड जो थे वो सब तोड़े गए, अब यहाँ से नए नए रिकॉर्ड क्रिएट करे गए। बस पठान का रिकॉर्ड बच गया था और गदर 2 का भी रिकॉर्ड यहाँ पर लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में तोड़ दिया था, लेकिन हिंदी कलेक्शन के मामले में अभी नहीं तोड़ पाई थी, पहले दो हफ्ते में बात कर रहा हूँ। इसी के साथ 20वें दिन तक आते आते मूवी ने अपने खाते में बड़ा अमाउंट रख लिया था, लेकिन 19वें और 20वें दिन से ग्रोथ थोड़ा स्लो देखने को मिली थी, ग्रोथ में डिप देखने को मिली थी और पहले 20 दिन में सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ के मार्वलस एंड जादुई आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस से 636 करोड़, ओवरसीज से 335 करोड़ आ गया था पहले 20 दिन तक की बात कर रहा हूं, और टोटल पूरी दुनिया से 1022 करोड़ आ चुका था। इसी के साथ 21वें 22वें 23वें दिन अमेजिंग ग्रोथ करी, स्लो ग्रोथ रही लेकिन अमेजिंग रही। उसके बाद 24वें दिन में यानी फोर्थ सैटरडे में जो उम्मीद नहीं थी अनएक्सपेक्टेड कमाई करते नजर आई है बाय गॉड, क्योंकि यहां तक आते आते चार फिल्में इसके कंपटीशन में आ चुकी थी। पांचवी फिल्म साउथ में स्कंदा मूवी चल रही थी, लेकिन वही बात है स्कंदा मूवी चलने के बाद रामपोथी नेनी, बहुत ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग है इनकी साउथ में, सुपरस्टार हैं ये साउथ इंडस्ट्री के, और पैन इंडिया में भी इनका अच्छी खासी रैंक आती है, टॉप 10 में मैं कह सकता हूं यस इनकी रैंक आती है, और फिर भी मूवी ने फोर्थ सैटरडे में अमेजिंग कमाई करी, सिर्फ हिंदी से 8 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले 24 दिन में 538 करोड़ आ चुका था, और पहले 24 दिन में पूरी दुनिया से सैटरडे एंड होते होते मूवी ने 1070 करोड़ के जादुई आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था, और यहां तक पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था भाई। अमेजिंग, मतलब 24 दिन में ही नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, सेट करना, जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए गए। जैसे पठान के पास था 1050 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसे बीट
बीट डाउन कर दिया। और उसके बाद जो 25वें दिन की बात करें फोर्थ संडे में, यहाँ तो सॉलिड ग्रोथ रही, मतलब यहाँ तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ रही, यहाँ तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी कलेक्शन ये ला सकती है, क्योंकि फुकरे थ्री अभी स्पीड पकड़ चुकी थी यहाँ पर, वैक्सीन वॉर उतना कमाल नहीं कर रही थी, गदर टू भी थोड़ा बहुत ही नंबर खींच के ला रही थी, और द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की वो भी थोड़ा बहुत नंबर खींच के ला रही थी, लेकिन फुकरे थ्री अब यहाँ पर ग्रोथ करने लग गई थी। लेकिन उसके बाद भी संडे एंड तक ह्यूज कलेक्शन किया, हिंदी से 9.12 करोड़ 25 दिन में आया, और हाईएस्ट कलेक्शन आया 25वें दिन के मुकाबले, जो पहले केजीएफ 2 बैठी थी 25वें दिन में अपने 6 करोड़ का कलेक्शन करने के मामले में सिंगल डे में, लेकिन अब जवान ने उसे बीट डाउन कर दिया, 9 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया। उसके बाद अब केजीएफ 2 सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड पे पद्मावत है, और चौथे पे पठान है, जो पठान ने शायद 3 या 3.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था अपने 25वें दिन में। इसी के साथ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी ने करा था 9.37 करोड़ का, और तीनों लैंग्वेज को मिलाकर किया था ये। तो पहले 25 दिन में सिर्फ हिंदी से 547 करोड़ हो गया था, तमिल तेलुगु से 59.42 करोड़, और 25 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले 25 दिन में 607 करोड़ हो चुका था, और ग्रॉस कलेक्शन 718 करोड़ हो चुका था, ओवरसीज से 364 करोड़ आ गया था, और ह्यूज कलेक्शन पूरी दुनिया से किया था पहले 25 दिन में 1022 करोड़। भाई मजा आ गया, और यहाँ तक देखकर लग रहा था कि 1100 करोड़ जो होने वाले हैं वो शायद 4 से 5 दिन में होने वाले हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे मंडे एंड होते होते इसने जो काम किया है, क्योंकि मंडे में गांधी जयंती का फुल हॉलीडे मिला है इंडिया में, ओवरसीज़ में नहीं मिला, ओवरसीज़ में मंडे वर्किंग डे था, फुल वर्किंग डे था, इसीलिए ओवरसीज़ से कम कमाई देखने को मिली, लेकिन इंडिया से बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। तो कल बात करते हैं कल की 26वें दिन कैसी ग्रोथ रही, गांधी जयंती की हॉलीडे का फुल फ़ायदा उठाया, साथ में गदर टू जो भी ये मूवी चल रही थी, विकी कौशल की हो गई, फुकरे थ्री हो गई, वैक्सीन वॉर हो गई, सबको खदेड़ते हुए रौंदते हुए, फुकरे थ्री ने ऐसा नहीं है, फुकरे थ्री ने टक्कर दिया, फुकरे थ्री ने फिर भी बहुत ही अच्छी कमाई करते नजर आ रही है। फुकरे थ्री को जिस हिसाब की पोटेंशियल है उसका, जिस हिसाब का उसका बजट है, उसी हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये बाय वन गेट वन वाला जो ऑफर चल रहा है ना, इसने धज्जिया उड़ा के रख दिया, बाय गॉड। तो हिंदी से 8 करोड़ का कलेक्शन आता दिखा, ऑल लैंग्वेज से टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 8.2 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस से 10 करोड़ आता दिखा कल एंड ऑफ द डे तक, और कल पूरी दुनिया से 12 करोड़ की कमाई करते दिखी थी, वही मैं कह रहा हूँ ना, ओवरसीज से मात्र 2 करोड़ ही आ पाया। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक 555 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था, भाई साहब मजा आ गया। लेकिन ये अभी रिपोर्ट कल की फ्लेक्सिबल है, और पहले 26 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 615 करोड़ हो चुका था, यहाँ भाई नेट कलेक्शन के मामले में 600 करोड़ कवर अप कर गई है, क्रॉस कर गई है, जबकि बॉलीवुड की या हिंदी कोई मूवी 600 करोड़ में आ ही नहीं पाई है, नंबर वन मूवी बन चुकी है जवान यहां पर भी। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल 26वें दिन में 1094 करोड़, मात्र 6 करोड़ कम और 1100 करोड़ टच। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंकड़ा देखने को मिल रहा था 1100 करोड़ आने वाले 4 से 5 दिन में, मैं थर्सडे या फिर फ्राइडे अजम्पशन करके बैठा था, अज्यूम करके बैठा था कि यस फ्राइडे या थर्सडे में ये मूवी 1100 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ आज ट्यूजडे वर्किंग डे चल रहा है, आज 27वें दिन की ग्रोथ, मतलब चौथे ट्यूजडे की ग्रोथ जबरदस्त चल रही है, आज प्रॉपर वर्किंग डे है लेकिन आज भी कमाई जबरदस्त कर रही है, और फ्राइडे तक अब प्रॉपर वर्किंग डे होने वाला है। इसी के साथ मूवी जो चल रही है उसका भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो बाय वन गेट वन का जो ब्रह्मास्त्र फेंक के मारा है वो सॉलिड काम आ रहा है। तो चारों फिल्मों को आज भी रौंद रही है, टक्कर दे रही है, लेकिन वही बात कि फुकरे थ्री अपना कलेक्शन अच्छा कर रही है, लेकिन जवान जबरदस्त करी। तो ओवरऑल 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह अच्छे सोच भी अपने खाते में रख रही है, और एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट कलेक्शन 3.5 करोड़, और जिसमें सिर्फ हिंदी से 3.2 करोड़ आता दिख रहा है, और पूरी दुनिया से 5.5 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 27 दिन में 528 करोड़ हो चुका होगा, और पहले 27 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 618 करोड़ हो चुका होगा, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 1100 करोड़ टच कर जाएगी। भाई साहब अमेजिंग, ह्यूज ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज ग्रोथ, मतलब जबरदस्त ग्रोथ है, फैंटास्टिक फेबुलस जो कह लो, क्योंकि बॉलीवुड की हिंदी मूवी अपनी इतनी बड़ी ग्रोथ करते रही नजर आ रही है। कुछ समय पहले तक, 2-3 साल पहले तक हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड के जो जबरदस्त टैग चलाए जा रहे थे, क्योंकि 2-3 साल से आफ्टर लॉकडाउन या लॉकडाउन के समय की बात कह रहा हूँ मैं,
बॉलीवुड की इतनी गंदी हालत थी, बहुत गंदी हालत थी, और वहाँ पर पैन इंडिया मूवी जो थी साउथ की मूवी जबरदस्त नाम कमा के गई और बैक टू बैक नाम कमा के गई। मतलब बॉलीवुड को तो तुच्छ समझा जाने लग गया था, लेकिन शाहरुख खान मेड इट पॉसिबल। शाहरुख खान ने बॉलीवुड की वो औकात दोबारा से याद दिला दिया कि भाई बॉलीवुड में वो दम है। पैन इंडिया मूवी के सामने भाई 1100 करोड़ अगर ये कर सकती है, तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये मूवी रनिंग 60 दिन और चल जाती है तो ये 1200 करोड़ का भी आंकड़ा जबरदस्त तरीके से ले आएगी। और अगर 1200 करोड़ आ गए तो ये मूवी को KGF 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि पैन इंडिया की जाइंट मूवी इंडियन सिनेमा में बैठी पड़ी है। बाहुबली 2, RRR, KGF 2, इन मूवियों ने जबरदस्त कलेक्शन किया है और नंबर 3 पर बैठी हैं रैंक 1, 2, 3 से लेके। अगर उसमें बॉलीवुड की अपनी ये जवान मूवी आ जाती तो मजा ही आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये मूवी 1200 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख पाएगी और सिर्फ हिंदी से 600 करोड़ की कमाई ये मूवी कर डालेगी, क्योंकि आज एंड ऑफ द डे तक ये 555 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी। तो मात्र 45 करोड़ बचते हैं और ये मूवी हिंदी से अपने खाते में 600 करोड़ भी ले आएगी। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।